फिर से एक बार सभी का स्वागत है भाई आज के धमाकेदार वीडियो के अंदर। और इस वीडियो में हम लोग करने वाले एक भाई बहुत तगड़ा वाला जो क्वेश्चन है, तो बेसिकली यार आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा कि यार ये जो क्वेश्चन है वो अपना एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 23 होने वाला है। और जो क्वेश्चन नंबर 23 है यार वो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ गाइज, ये आपको अपने एग्जाम्स के अंदर देखने को डेफिनेटली मिलेगा, 100% चांस बोल रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, 100% चांसेस मैं आपको एकदम लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पर, ताकि यार आप लोगों को क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा तो आप लोग भाई मुझे मतलब बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली लिख देते हैं चांसेस, ठीक है, 100% यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, 100% चांसेस है कि यार ये जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब देखो भाई, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मेरा कहने का मतलब वो है। हाँ भाई डेफिनेटली मैं पेपर थोड़े ना बना रहा हूँ कि मुझे पता है कि ये क्वेश्चन आएगा या वो आएगा, मुझे बस पता है कि यार हाँ ये इंपॉर्टेंट है। वो कैसे पता चला? क्योंकि यार मैंने प्रीवियस ईयर भाई बहुत सारे पेपर्स देखे तो मुझे पता चला बस इसका आंसर, और मैं आपको रिप्लाई नहीं कर सकता। सिंपल से मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तरीके के क्वेश्चन से डेफिनेटली 100% चांसेस है कि आपको बोर्ड्स के अंदर, मैं प्री बोर्ड्स वगैरह का बात नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई, बोर्ड्स का बात कर रहा हूँ 2025 का, ठीक है, तो उसके अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको भाई बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करना है, एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 23 है। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखो, बेसिकली यार यहाँ पर हनीफ वनीफ नहीं है, यहाँ पर बात ये है कॉइन का, ठीक है, कॉइन का या फिर डाइस का। यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हनीफ का क्वेश्चन आएगा या उसका क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन बेसिकली कॉइन्स का या फिर डाइस का आएगा। तो मैं आपको एकदम सिंपली बुक में दिखाना चाहूँगा क्वेश्चन किधर पे क्या कहना है। वो क्वेश्चन नंबर जो 23 है वो आपका इस जगह पर है, यहाँ पर आप देखो अगर, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 है लिखा है, मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ, ठीक है, एक बार तो आप बुक खोलोगे तो भाई बढ़िया है। लिखा है कि आ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 times एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। बेसिकली एक रुपए का कॉइन है, उसको हम लोग 3 बार उछाल रहे हैं और तीनों बार उछालने पे क्या क्या आउटकम्स निकल कर आ रहे हैं उसको हम लोग नोट कर ले रहे हैं, ठीक है। लिखा हुआ है हानि तब जीतेगा अगर हर एक कॉइन में सेम रिजल्ट आया, यानी कि हर एक कॉइन में अगर टेल 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 आया या हर एक कॉइन में हेड 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 आया तो हानि जीत जाएगा, और अगर नहीं आया, किसी एक में भी हेड आ गया टेल टेल हो गया, या किसी एक में टेल आया किसी में बाकी में 2 में हेड आ गया, तो वो हार जाएगा, ठीक है। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि हनीफ हार जाएगा, मतलब कि थोड़ा घुमा फिरा क्वेश्चन बोला गया, इसलिए मैंने आपको बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हो सकता है समझ नहीं आ रहा होगा। बेसिकली हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे स्टेटमेंट्स के साथ, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कुछ जो स्टेटमेंट्स है उसको जो है वो लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। लिखा है जब हम लोग क्या लिखेंगे, जब भाई किसी भी कॉइन को हम लोग टॉस करेंगे। अब देखो भाई, मैंने ये जो कॉन्सेप्ट है मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में जब भी मैंने प्रोबेबिलिटी के बारे में इस चीज़ के बारे में बताया है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, बट यार कभी कभी हो सकता है कि आपने वीडियो नहीं देखा हो, मैं फिर से बता देता हूँ एक बार कि जब कोई भी चीज़ को आप टॉस करते हो या जब कोई चीज़ को आप फेंकते हो, फॉर एग्जाम्पल डाइस है, अगर मैं एक डाइस को फेंक रहा हूँ तो एक डाइस में जितने फेसेस होते हैं उतना ही जो आउटकम्स है वो निकलेगा, यानी कि 6 फेसेस 6 आउटकम्स निकलेगा, बट मैं जब 2 डाइस को फेंकूंगा तो उसका जितना ही फेसेस है उसका स्क्वायर बन जाएगा, जब मैं 3 डाइस को फेस फेंकूंगा तो उसके जितने फेसेस का क्यूब बन जाएगा, इस तरीके से जितना मैं 4 बार फेंकूंगा तो उसका 4 पावर हो जाएगा, 5 बार फेंकूंगा तो फेसेस का 5 पावर, यानी 6 पावर 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कॉइन को फेंक रहा हूँ, 1 रुपए का कॉइन है, उसको मैं अगर 1 बार फेंकूंगा तो कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे, 2 होंगे, क्योंकि 2 फेसेस है। अगर मैं उसको 2 बार फेंकूंगा तो क्या होगा, जो पॉसिबल आउटकम्स है जो फेसेस है उसका जो है स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि पावर में 2 आ जाएगा। जब मैं उसको 3 बार फेंकूंगा तो उसका जो फेसेस है यानी कि 2 है उसका मैं क्यूब लग जाएगा, यानी कि पावर में 3 आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, तो बेसिकली यहाँ पर हम जब स्टार्ट करेंगे लिखेंगे कि व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times, जब कॉइन को हम लोग 3 बार टॉस करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हम लोग को निकालना पड़ेगा, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो इसका कितना हो जाएगा, देखो जब 3 बार कर रहे हैं तो फेसेस जितना है उसका 3 पावर हो जाएगा, यानी कि फेसेस कितना होता है कॉइन में 2 होता है, और जब 3 बार करें तो पावर में 3 आ जाएगा, यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारा 8 हो जाएगा। लेकिन भाई अब यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों का कोई नंबर वगैरह नहीं है तो हम लोग बस नंबर नहीं लिख सकते, हम लोगों को जो चीज है ना वो भी लिखना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने सैंपल स्पेस जो है वो लिख लिया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इन पर सैंपल स्पेस मतलब बेसिकली अपना जो पॉसिबल आउटकम्स है उसी को हम लोग सैंपल स्पेस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, ठीक है। तो हेड 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 हो सकता है, हेड हेड टेल हो सकता है, ठीक है। और भाई मैं आपको जो है वो डायरेक्ट यहाँ पर देख कर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं देख कर लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यार मुझे अभी अचानक से तो याद नहीं रहेगा ना मैं क्या लिख रहा हूँ। THH यानी कि टेल्स हेड्स हेड्स हो सकता है, और आपका जो टेल्स 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 है वो हो सकता है, टेल्स 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 वो हो सकता है, और अपना जो टेल्स टेल्स हेड हो सकता है, टेल्स हेड हो सकता है,
टेल्स है, टेल्स हो सकता है, ये मेरे को याद हो गया, पता नहीं कैसे भाई मैं देखा कि यार यहाँ पे नहीं लिखा है, और अपना लास्ट में अपना है टेल टेल हो सकता है। तो ये अपना जो है वो पॉसिबल आउटकम्स हो गए जो कि अपना आठ है। ठीक है, मैंने आपको ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर कर दिया है, अगर आप नहीं समझे तो वीडियो को थोड़ा भाई पहले कर लो, आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, तो अभी यार यहाँ पे टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स मैंने लिख दिए एट है। अब देखो हानिफ कब जीतेगा, हानिफ तब जीतेगा जब उसको या तो टेल 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 देखने को मिलेगा या तो हेड हेड देखने को मिलेगा, और हानिफ तब हार जाएगा जब उसको ये छह में से कोई आउटकम देखने को मिल, छह में से क्या ये छह आउटकम्स में किसी एक को देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालना है कि क्या प्रोबेबिलिटी कि हानिफ जो है वो हार जाएगा। तो हानिफ तब जीतेगा जब उसको तीन हेड्स मिलेगा, तो हानिफ हारेगा कब, जब उसको ये जो दो चीज है वो नहीं मिलेगा। तो देयरफॉर हानिफ विल लूज द गेम, इसका प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहां पर पी लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हानिफ विल लूज द गेम, हानिफ तब हारेगा जब उसको हेड 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 और टेल 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 नहीं मिलेगा, यानी कि जब ये दो पॉसिबल आउटकम्स नहीं रहेंगे तब हानिफ हारेगा। तो अब कितने पॉसिबल आउटकम्स बचे, फेवरेबल आउटकम्स एक दो तीन चार पांच छह, यानी कि छह बचे, और पॉसिबल आउटकम्स मैंने निकाला आठ है, तो ये अपना आ गया थ्री फोर सा, यानी कि थ्री बाई फोर। तो इस तरीके से अपना आंसर जो वो निकल गया। तो देखो भाई बहुत आसान क्वेश्चन है। अब मान लो कि आपको लिखता है कि आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी कि हानिफ जीतेगा गेम, तो कब जीतेगा, जब हेड 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 आएंगे और टेल 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 आएगा, यानी कि ये जो दो रहेंगे तब होगा, और दो का हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया, ये हो गया और ये फेवरेबल आउटकम्स हो गया। तो ये दो ऊपर में लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे दो लिखेंगे, यहाँ पे नीचे में आठ लिखेंगे, तो ये टू वन सा टू, टू फोर सा एट, इस तरीके का आ जाएगा। बट वही मान लो कि जब हम लोग को लिखना है कि हार जाएगा, तो हम लोग ये दो चीज को हटा देंगे और जितना बचेगा वो फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा, उसको हम लोग ऊपर लिख के नीचे में पॉसिबल आउटकम्स लिखेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से बेसिकली आपको करना पड़ता है, और ये जो कॉन्सेप्ट है ना बेसिकली मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बस पॉइंट्स में ही नहीं, आपका जो डाइसेस होता है उसके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि यार ये जो चीज है भाई प्रोबेबिलिटी में कॉन्सेप्ट हो गया, जो कार्ड का कॉन्सेप्ट होता है यार ये कार्ड का बंच है, ये कार्ड का वो है, अगर आपको लगता है कि यार इसका भी मुझे एक वीडियो होना चाहिए, सेपरेट वीडियो जहां पर मुझे बस ये समझाना चाहिए, तो इसलिए आपको कमेंट में बता देना, मैं बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।